प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की आज 100वां संस्करण इस कार्यक्रम का प्रसारित होने वाला है और मन की बात के लिए बीजेपी की ओर से खास तैयारी की गई है। आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में भी मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा दुनिया भर के 11 विदेशी और 22 भारतीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता रहा है और दुनिया के सबसे ज्यादा सबसे लोकप्रिय सुने जाने वाले रेडियो कार्यक्रमों में से एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी इस 100वें संस्करण के अवसर पर विशेष बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बीजेपी एक व्यापक जन अभियान चला रही है। संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के इस 100वें संस्करण का प्रसारण की व्यवस्था की गई है, तो वहीं ये वीडियो भी जारी किया गया है। ये तब का वीडियो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात के पहले एपिसोड के रिकॉर्डिंग के लिए ऑल इंडिया रेडियो कार्यालय पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो जारी किया गया है। रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मासिक कार्यक्रम जो काफी लोकप्रिय हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित होता है। देश के 22 भारतीय भाषाओं में इसका समानांतर प्रसारण किया जाता है और अब इस कार्यक्रम को बीजेपी बूथ स्तर तक लेकर जाने की तैयारी में है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह बीजेपी खेमे में देखने को मिल रहा है और अधिक से अधिक संख्या में लोग इस मन की बात कार्यक्रम से जुड़े इस प्रयास में। बीजेपी बीते 2 दिनों से इसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कहीं मार्च निकाला जा रहा है, कहीं दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं इसको लेकर विशेष लेजर शो भी तैयार किया गया है। तो बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से जुड़े, ये कोशिश बीजेपी की। कोविड काल में भी ये एक भी रविवार को बंद नहीं हुआ। महीने के हर रविवार को प्रधानमंत्री जी बात करते हैं देश से, मन की बात। कल उसका 100वां संस्करण है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि ये कार्यक्रम 52 भाषाओं में होता है। वो हिंदी में बोलते हैं, बाकी साइमल्टेनियस इसका बाकी भाषाओं में अनुवाद होता है। दुनिया की 11 विदेशी भाषाओं में भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर इसकी तैयारी कर रही है। और कल भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में, जो एक रिकॉर्ड बनने का लगता है कि एक बार में इतने लोग किसी ऐसे कार्यक्रम से जुड़े, वो लगता है कि अनोखा अद्भुत होगा। और तैयारी तो जनता कर रही है, साथ बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं।